नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्किन यानी चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा किसी सीरीज़ से रिलेटिव नहीं है। सीरीज़ से रिलेटिव मतलब ये कि हमारे इस चैनल पर अभी दो सीरीज चल रही हैं, जिसमें हमारी पहली सीरीज है विषाणु जनित त्वचा रोगों की और दूसरी सीरीज है हमारी डॉज ऑफ ड्रग की। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो इन दोनों सीरीजों में से किसी से भी रिलेटिव नहीं है। सिर्फ आज का वीडियो है हमारा आपकी नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलर विजन इवन हाफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी धुंधला दिखना। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो लोग अपनी लाइफ में एक बार ऑपरेशन करा लेते हैं आँखों का, यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेते हैं, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद उनको महीने, 2 महीने, 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल के बीच में उन व्यक्तियों की आँख के ऊपर सफ़ेद झिल्ली बनने लगती है, और साथ ही उस वजह से उन मरीजों को धुंधला दिखने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो धुंधला दिखता है, यानी कि ब्लर्ड विजन इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हम जिसमें जानेंगे दोस्तों, परिचय के बारे में जानेंगे और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी धुंधला क्यों दिखता है तो उसके हम कारण के बारे में भी जानेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को उसकी आँख के ऊपर जो झिल्ली बन गई है तो झिल्ली बनने के बाद में उस व्यक्ति में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और साथ ही हम अगर जैसे किसी व्यक्ति ने ऑपरेशन कराया है मोतियाबिंद का, उसने अगर लेंस डलाया है या फिर उसने अलग से ऊपर से कोई चश्मा, नंबर वाला चश्मा लगवाया है, तो आपकी आँख एक लंबे समय तक सेफ बने तो उसके लिए हम आपको कुछ बचाव भी बताएंगे। और साथ ही इसका लास्ट में अगर किसी व्यक्ति को उसकी आँख के ऊपर झिल्ली बन गई तो हम उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दे पाएंगे ताकि उसको फिर से मतलब उसकी जो झिल्ली है वो ख़त्म हो जाए और उसको फिर से क्लियर दिखने लगे। ये तो आज की इस वीडियो में हम यही विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके देना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में धुंधला दिखता है तो सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ब्लर्ड विजन इवन आफ्टर कॉन्टैक्ट ऑपरेशन में परिचय में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आँखों की मांसपेशियों का कमज़ोर होना, यानी कि इंसान की जो उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी जो आँखों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, तो जिस वजह से उनकी आँखों में कई सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन दोषों में जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, तो ये समस्त रोग उसकी जो एज बढ़ती है यानी कि उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी आँखों में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, जिस वजह से ये समस्त दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं सभी दोषों को अगर मैं विस्तार से बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 200 200 के नाम ही बता रहा हूँ। और दोस्तों, इसमें अगला परिचय रहेगा हमारा किसी घटना का होना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में अचानक से अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे उसकी आँख पर ज़्यादा चोट आई है तो उस समय भी उसकी आँख की मांसपेशियाँ होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो जिस कारण से उसकी आँखों में भी कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही हमारे ब्लड विजन इवन आफ्टर कॉन्टैक्ट ऑपरेशन के परिचय के बारे में। अब बात करेंगे हम इसके कारण के बारे में। दोस्तों, ब्लड विजन इवन आफ्टर कॉन्टैक्ट ऑपरेशन के कारण में मैं आपको बता दूं, दोस्तों जब कोई व्यक्ति की मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद भी उसको कुछ महीने, साल, 5 साल बाद उसको फिर से उसकी आँख पर झिल्ली बनने लगती है, फिर उसको फिर से विलर देखने लगता है, तो इसके कुछ मेन और मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। अगर उस मरीज को डायबिटीज़ की समस्या है तो अगर उसने अपनी आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, उस टाइम उसको डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन 5 साल या 10 साल के बीच में अगर उसको डायबिटीज़ हो गई है तो उस बीच में उस व्यक्ति की आँख पर झिल्ली बनना दोबारा स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कारण है दोस्तों इसमें हाई अथवा लो बीपी। तो बीपी उस मरीज का कम होना या ज़्यादा होना ये भी एक बहुत बड़ी
कारण होता है उसके आंखों में जो ब्लर विजन दिखता है या फिर उसके आंखों में जो झिल्ली बनती है। दोस्तों अगला है हमारा इसमें थर्ड क्वालिटी लेंस। दोस्तों कोई पेशेंट है जिसने अपनी आँख का मोतीबिंद का ऑपरेशन कराया और मोतीबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद में अगर उसने कोई थर्ड क्वालिटी का लेंस उसमें डलाया है, तो दोस्तों मैं आपको इसमें थर्ड क्वालिटी लेंसों के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दूं। दोस्तों सबसे थर्ड क्वालिटी का लेंस होता है पामा का हार्ड लेंस, जो कि पॉलीमेथाइल द्वारा बना होता है। ये लेंस एक मिडरेट लेंस होता है। उसके बाद में हमारा दूसरे नंबर का लो क्वालिटी का लेंस है हमारा पामा स्क्वायर लेंस। उसके बाद में हमारा तीसरा है हाइड्रोफिलिक लेंस। दोस्तों ये लो क्वालिटी के लेंस हैं, तो इस वजह से सामान्यतः सभी लोग इस लेंस को डलवाते हैं। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक जो सामान्यतः मध्यम परिवार और गरीब लोग जो ज़्यादातर इस लेंस को डलाते हैं उस लेंस का भी नाम मैं आपको बता दूं, वो है हमारा मोनोफोकल। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम स्ट्रेस्ड, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन के बाद भी उसमें अगर उसको लेंस डला है और फिर भी अगर उसको धुंधला दिख रहा है तो इसका स्ट्रेस मतलब तनाव भी मुख्य कारण होता है। उसके बाद में दोस्तों अगला कारण है एज एंड मसल्स, यानी कि जो मैंने बताया था कि इंसानों की जो एज होती है वो बढ़ती है, तो उसके साथ साथ उनकी जो आँखों की मांसपेशियाँ थोड़ी होती हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं, तो जिस वजह से भी उनकी आँखों में कई सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो रही इसके कारण के बारे में, अब बात करेंगे हम इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों ब्लर्ड विजन इवन आफ्टर कॉन्टैक्ट ऑपरेशन के लक्षणों में मैं आपको सबसे पहला लक्षण होगा, अगर किसी व्यक्ति की आँख में झिल्ली बन जाती है तो सबसे पहले उसको धुंधला दिखने लगता है। और नंबर दूसरा है उसकी आँख में सफ़ेद झिल्ली बन जाती है। नंबर तीसरा है आँखों से हल्का आंसू आते हैं, यानी कि अगर उसकी आँखों में जो झिल्ली बन गई है या फिर उसको थोड़ा सा धुंधला दिखने लगा है तो उसकी आँख से कभी कभार हल्का हल्का आंसू आने लगता है। तीसरा सॉरी दोस्तों अगला है कॉर्निया भाग पर सफ़ेद धब्बा का निशान बन जाता है। दोस्तों ये तो रही इसके लक्षण की बात, अब बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति ने मोतीबिंद का ऑपरेशन कराया है और मोतीबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद में उसने अपनी आँखों में लेंस डलाया है तो वो लेंस काफ़ी लंबे समय तक चले, या फिर मोतीबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद कौन सा लेंस चूज करना चाहिए और साथ ही एक अच्छी से वो लेंस एक लंबे समय तक चले, तो इसके लिए हमको क्या क्या मतलब बचाव करना होता है, तो अब जानेंगे हम इसके बचाव के बारे में। सबसे पहला बचाव रहेगा उसमें उच्च क्वालिटी के लेंस। दोस्तों अक्सर कुछ जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं या फिर कुछ जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपने आँखों में थर्ड क्वालिटी के लेंस डरा लेते हैं, लेकिन कुछ जो डॉक्टर समझदार होते हैं वो उनको पहले ही क्लियर बता देते हैं कि अगर आप थर्ड क्वालिटी का लेंस अगर आंखों में डलाओगे तो बाद में आपको ब्लर विजन की समस्या आ सकती है, फिर आप उनकी आंखों पर सफ़ेद झिल्ली बन सकती है। तो दोस्तों जैसे अगर वो थर्ड क्वालिटी लेंस हम जैसे पामा का हार्ड लेंस, पामा स्क्वायर लेंस, हाइड्रोफिलिक लेंस, अगर इस तरीके के कोई लेंस को अगर वो अपनी आँखों में डलाता है तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ ये जो लेंस होते हैं वो उनके जो मेन जो कॉर्निया भाग होता है वहाँ पर ये जो लेंस होते हैं वो ठीक से फिट नहीं बैठते हैं, तो इस वजह से उनकी आंखों के अंदर हवा आ सकती है जा सकती है यानी उस लेंस के अंदर, तो इसकी वजह से एक कुछ समय बाद उनकी आंखों पर धीरे धीरे वो सफ़ेद झिल्ली बनना लगती है। और दोस्तों अगर हम जहां पर उच्च क्वालिटी के लेंस अगर हम जहां पर उपयोग करते हैं यानी कि यूज करते हैं तो दोस्तों जो जो लेंस होते हैं उच्च क्वालिटी के वो हमारी आँखों के जो कॉर्निया भाग होते हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से फिट बैठ जाते हैं और इस वजह से उनके अंदर ना तो हवा आ सकती है, यानी कि जहाँ पर जो हमने जो लेंस लगाया है उन लेंस के अंदर ना तो हवा आ सकती है और ना ही जा सकती है, जिस वजह से वहाँ पर जो लेंस रहता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका रहता है। और इस वजह से जो जो हाई क्वालिटी के जो लेंस होते हैं वो एक काफ़ी लंबे क्या मतलब उनके पूरी लाइफ तक ही जो लेंस चलते हैं। अगर दोस्तों मेरा तो आपसे एक ही सलाह यही है कि आप उच्च क्वालिटी के लेंस लाइए जिससे आपके जो लेंस होते हैं वो आपकी पूरी लाइफ तक चलें, और अगर आप थर्ड क्वालिटी के लेंस डलाते हो तो वो लगभग आपके 5 से 10 साल 15 साल तक ही चलते हैं, उसके बाद में वो ख़राब हो जाती है यानी कि उनकी वजह से आपकी आँख पर फिर से दोबारा झिल्ली बनने लगती है। दोस्तों इसमें अगला बचाव रहेगा बार बार आँखों को टच ना करें, अगर आपकी आँखों पर किसी प्रकार की झिल्ली बन गई है या फिर आपने ऑपरेशन कराया है तो बार बार अगर आप अपनी आँखों को रगड़ते हो तो ये इस वजह से भी फिर आँखों में कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से फिर आपको ब्लर विजन दिखने लगता है। दोस्तों
अगले बचाव में हम बात करेंगे मन से किसी भी प्रकार का आई ड्रॉप नहीं डाल। आपको ड्रॉप सिर्फ यूज करना है अपने डॉक्टर के, यानी कि जो ऑप्थेल्मिक जो डॉक्टर होते हैं, आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, उनके कंसल्टेशन से ही आपको अपनी आँख में जो ड्रॉप यूज करना है। उसके बाद में अगला हमारा बचाव रहेगा, अपने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तुरंत दिखाना होता है। अगर दोस्तों अगर आपकी आँख पर झिल्ली बन गई है या फिर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रही है और आपको धीरे धीरे आपको ब्लर विजन दिखना स्टार्ट हो गया, तो अपने डॉक्टर को तुरंत ही कंसल्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप समय पर उस झिल्ली को नहीं कटाते हैं तो उसके बाद वो झिल्ली के नीचे आँख में पानी बन जाता है और पानी बनने के कारण फिर आपकी आँख रूप से ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये तो रही हमारे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी अगर धुंधला दिखता है तो उसके बचाव के बारे में। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो ट्रीटमेंट हमें ज़्यादातर उपयोगी रहता है। दोस्तों ब्लड विजन इवन आफ्टर कॉन्टैक्ट ऑपरेशन, यानी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी धुंधला दिखना, तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में मैं आपको बता दूँ, इफ़ लिटिल टीयर टेक आ मॉक्सी शिप, अगर आपकी आंखों में हल्का फुल्का थोड़ा पूरा आंसू अगर आपकी आंखों में आना स्टार्ट हो गया है और आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा अगर धुंधला दिखने लगा है, तो आपको स्टार्टिंग में दिन में दो दो बूंदें लगभग 3 से 4 बार और आपको लगभग 4 से 5 दिन तक उन मॉक्सी से एक जो ड्रॉप आता है उसको डालना होता है। उसके साथ में अगर एक न्यूज़पोरन ऑइंटमेंट आता है हम उसको भी चला सकते हैं, उसको हमको रात में एक बार चलाना होता है। उसके बाद में दोस्तों इफ़ एनी पेन टेक द एनाल्जेसिक मेडिसिन, अगर आपकी आँख में अगर किसी भी तरीके का हल्का फुल्का दर्द या फिर जलन होती है तो आपको जहाँ पर कोई भी एनाल्जेसिक मेडिसिन ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अगला हमारा ट्रीटमेंट रहेगा बेस्ट क्वालिटी लेंस एज लाइक, यानी कि अब आपको यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी लेंसों का उपयोग करना है, जिनमें हमारा सबसे बेस्ट लेंस रहेगा हमारा मल्टी फोकल लेंस, दूसरा हमारा एडोफ लेंस, तीसरा है हमारा ट्राई फोकल लेंस और चौथा है हमारा हाइड्रोफोबिक लेंस। दोस्तों ये सभी लेंस काफ़ी हाई क्वालिटी के लेंस हैं, तो अगर आप अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हो और उसके बाद में अगर आपको कोई लेंस चूज करना है तो आप जहाँ पर इन चारों में से कोई भी लेंस चूज कर सकते हो जो आपकी पूरी लाइफ तक चलेंगे। दोस्तों ये लेंस थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन आपकी पूरी लाइफ तक चलेंगे तो वो सबसे बेस्ट बात होती है। उसके बाद में दोस्तों इफ एनी हैव डायबिटीज देन कंट्रोल द डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले आपको अपनी उस डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो डायबिटीज़ है उसका जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसको आपको प्रॉपर लेना होता है। उसके बाद में दोस्तों कंट्रोल द बीपी, अगर आपको बीपी कम है या फिर बीपी ज़्यादा है तो आपको अपना बीपी को कंट्रोल में करना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उसी नॉलेज उनको भी मिल सके। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर अगर आप कोई कंसल्ट मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।